इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि छत्तीसगढ़ में कितने हमारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं और उसमें कौन कौन से कोटा के थ्रू एडमिशन होता है, अदर स्टेट का अगर बच्चा है तो वो कैसे एडमिशन ले सकता है, और नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है उसका अदर स्टेट के बच्चों के लिए और छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए। तो यही सब बातें अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी 50% जो हमारा प्राइवेट में जो हमारी सीट्स हैं उसको आपको पता है कि इस बार ऐसा चल रहा है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस होती है उस पर फिल होगी। अगर ऐसा होता है तो फिर ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था, अगर वैसे ही होता है तो फिर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है और इस बार कोई भी नया प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं खुलने वाला है। तो आपको पता है कहाँ पे हमारा भिलाई में है बेटा, ठीक है, शंकराचार्य कॉलेज है और ये सबसे अच्छा कॉलेज है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा कहाँ पे बेटा, रायपुर में, रायपुर में 2 है। ठीक है, एक है हमारा बेटा बालाजी और एक है हमारा रिम्स। ठीक है, ये कहाँ पे है, रायपुर में है। ठीक है, और दूसरा कौन सा बेटा, रिम्स, ये भी कहाँ पे है, रायपुर में है। ठीक है, अब इन दोनों में कौन अच्छा है, तो बालाजी अच्छा है और रिम्स अपना लास्ट में आता है। अब बालाजी तो लास्ट ईयर ही ओपन हुआ है, लेकिन ये अच्छा क्यों है, क्योंकि ये रायपुर में है, ये आउटर में, तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि अपन ये बोल सकते हैं कि बालाजी अच्छा है। इन दोनों के कट ऑफ जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही जाते हैं। ठीक है, अब इसमें सीट्स कितनी है बेटा, तो इसमें 150 है टोटल नंबर ऑफ सीट्स, इसमें भी कितनी है 150 है और इसमें भी कितनी है बेटा 150 है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेटा, 3 कोटा होते हैं। कौन कौन से कोटा होते हैं, 3 कोटा के थ्रू एडमिशन होते हैं, लेकिन तीनों कोटा की, मतलब 2 कोटा की फीस सेम होती है और तीसरा जो एनआरआई कोटा होती है उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उसके बारे में अपन एनआरआई कोटा के बारे में बात नहीं करेंगे, यहाँ पे अपन 2 कोटा के बारे में बात करेंगे और वो कौन कौन से हमारे, एक गवर्नमेंट कोटा है और एक कौन सा है, मैनेजमेंट कोटा है, और एक कोटा में कौन कौन से बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो सब बातें भी अपन करेंगे। अब इसमें से क्या होता है बेटा, 42.5% जो है वो होता है गवर्नमेंट कोटा, 42.5% कौन सा होता है, मैनेजमेंट कोटा होता है, और बचा हुआ कितना हो गया बेटा, 42, 44, 50, 15%, तो 15% हमारा एनआरआई कोटा होता है। अगर आप 150 का 42.5% लेंगे बेटा तो ये 64 आएगा, ये भी 64 आएगा और ये कितना आ जाएगा आपका 22। ठीक है, अगर इन केस एनआरआई की सीट अगर फिल नहीं होती है तो उसको मैनेजमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और अगर मैनेजमेंट से फिल नहीं होती तो गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पे रिजर्वेशन होता है, यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी वही फॉलो होती है जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट के लिए होती है, ना कि सेंट्रल वाला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है ओबीसी का 14% है, एससी का 12% है और एसटी में 30+2% है, मतलब 30% हमारा एसटी के लिए और एसटी स्पेशल के लिए 2%, ऐसे करके 32% टोटल है। ठीक है, तो अब अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं वो कौन से कोटा के लिए एलिजिबल होते हैं और हमारे जो स्टेट के बच्चे होते हैं वो कौन से कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, तो उसमें 2 कोटा होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट कोटा और मैनेजमेंट कोटा, इनकी फीस के बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कोटा में क्या होता है कि छत्तीसगढ़ के बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसमें अदर स्टेट का बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मतलब इसकी जितनी भी सीट्स होंगी, जैसे 3 कॉलेज है तो 64 × 3 कर लो, तो इसमें कौन बच्चा ले सकता है, जो छत्तीसगढ़ का होगा, छत्तीसगढ़ का जिसके पास डोमिसाइल होगा, और इस कोटा में छत्तीसगढ़ के बच्चे के अलावा अदर स्टेट के बच्चे भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। जो यहाँ पे जो फीस होती है मैं आपको मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, वो 13 लाख है। ठीक है, हर एक कॉलेज में इतने ही पर एनम। ठीक है, यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में सिक्योरिटी मनी भी देनी होती है, 6 से 7 लाख की जो ट्यूशन फीस होती है उसकी देनी होती है, तो आपको फर्स्ट ईयर में 20 लाख के आसपास देना होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही, और बस 50,000-40,000 का डिफरेंस है और ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इस बार बढ़ भी सकती है और देखते हैं, अगर वो एनएमसी का जो 50% रूल है अगर वो फॉलो होता है तो फिर ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी, उसमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी कि इन्हीं सीट्स में से क्या करेंगे वो अपन जैसा ही इन्फॉर्मेशन आएगी या नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन जरूर दूंगा। ठीक है, चलो तो मैंने आपको फीस के बारे में बता दिया, अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ बेटा कि ये भी बता दिया कि सबसे अच्छा कॉलेज ये है। ठीक है, अब मैं आपको कट ऑफ के बारे में बात करते हैं, पर क्या जा सकता है इस बार हमारा कट ऑफ। ठीक है, चलो तो अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो मैनेजमेंट कोटा होता है, मतलब अदर स्टेट के जो बच्चे होते हैं उनको जो यहाँ पे सीट अलॉट होती है वो अनरिजर्व की ही होती है, उनको एससी या एसटी कैटेगरी का फायदा नहीं मिल पाता, ना ही ओबीसी का। क्यों? क्योंकि उनको जो सर्टिफिकेट देना होता है वो देना होता है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ का कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है, जो कि उनके पास नहीं होता है। जैसे आप कोई राजस्थान का बच्चा है, वो भले राजस्थान में एससी में बिलोंग करता है, तो उसके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा वो राजस्थान स्टेट का होगा, जो कि छत्तीसगढ़ में वैलिड नहीं होगा, इसलिए उनको जो सीट्स मिलेगी वो अनरिजर्व के थ्रू मिलेगी। तो क्या होता है, फर्स्ट राउंड में कट ऑफ बहुत हाई चला जाता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि अनरिजर्व को ही सिर्फ सीट अलॉट की जाती है, बाकी जो एससी एसटी की जो सीट्स उनको रिजर्व रखा जाता है और वो सेकंड राउंड में अनरिजर्व में कन्वर्ट करके उनको दे दी जाती है। तो मैं आपको अब कट ऑफ के बारे में बता देता हूं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं
मैनेजमेंट कोटा की अदर स्टेट के बच्चों के लिए, ठीक है। ये जितनी भी सीट्स है वो अलग अलग कैटेगरीज की होती है, लेकिन वो सीट अलॉट कौन से उसमें होती है, कोटा में होती है, तो अनरिजर्व में ही होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो मुझे इस बार लगता है फर्स्ट राउंड का तो बहुत हाई कट ऑफ जाएगा, आप डरिए मत, फर्स्ट राउंड में बहुत हाई कट ऑफ जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि एससी एसटी ओबीसी की जो सीट्स होती हैं वो कन्वर्ट नहीं होती अनरिजर्व में, इसलिए बहुत हाई कट ऑफ जाता है, बहुत सारी सीट्स वेकेंट रहती, फिर सेकंड राउंड उनको अनरिजर्व में कन्वर्ट करके अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस बार अगर आपका 545 प्लस मार्क्स आ रहा है अदर स्टेट के बच्चों के लिए, अपने छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए नहीं, छत्तीसगढ़ के बच्चों को तो इतने मार्क्स में क्या मिल जाएगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, तो अदर स्टेट के लिए इतना। और आप देखेंगे फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ जाएगा वो 580 में भी हो सकता है, 585 के आसपास जाएगा, लेकिन सेकंड राउंड में इतना जाएगा, और मोपअप राउंड में इससे भी नीचे जा सकता है अगर आप इंतजार कर सकते हैं तो। ऐसा नहीं है कि आपको 535 में भी कॉलेज मिल सकता है, 530 में भी मिल सकता है, लेकिन उसमें आपको इंतजार करना पड़ेगा, वहां पे थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर अदर स्टेट में एडमिशन नहीं लेना होगा और यहाँ पे आपको इंतजार करना पड़ेगा मोपअप राउंड तक का, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको गवर्नमेंट का बताता हूँ। गवर्नमेंट में तो आपको पता है कि कास्ट के हिसाब से अलॉट होगा, क्योंकि उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट होता है छत्तीसगढ़ के बच्चों के पास, ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट का होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं तो इसमें अनरिजर्व, ओबीसी, एससी और एसटी, ये जो मैं बता रहा हूँ बेटा ये सेकंड राउंड के बाद बता रहा हूँ, ठीक है। मोपअप राउंड में हो सकता है कि मे बी बहुत कम मार्क्स मिल जाए, लास्ट ईयर 380 में भी मिल गया था मोपअप राउंड में, और आपको पता है मोपअप राउंड में 132 सीट्स तीनों कॉलेज में वेकेंट थी, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार इतनी ही सीट्स वेकेंट हो, लास्ट ईयर काउंसिल में बहुत लेट हो रहा था इस वजह से ऐसा हुआ था, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार मोपअप राउंड में इतनी ही सीट्स वेकेंट हो, तो मोपअप राउंड तो किस्मत का राउंड होता है। तो मैं यहाँ पे आपको जो कट ऑफ बताने वाला हूँ सेकंड राउंड का बताने वाला हूँ कि भैया अगर आपके इतने मार्क्स है तो आपको सेकंड राउंड में इतना कॉलेज जरूर मिल जाएगा, इसमें कोई ईडब्ल्यूएस कोटा नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आपके 455 प्लस मार्क्स है तो आपको सेकंड राउंड में ही मिल जाएगा, 445 प्लस मार्क्स है तो आपको सेकंड राउंड में ही ओबीसी के बच्चों को मिल जाएगा। एससी में तो यह है कि भैया 200 प्लस में भी आपको कॉलेज मिल जाएगा, बस शर्त यह है कि आपको उतनी फीस देने के आप कैपेबल हो, क्योंकि इन दो कैटेगरी में वो बच्चे कैपेबल नहीं होते कि इतनी ज्यादा फीस एक साल में दे सके, ठीक है। चलो, और एसटी में तो यह है कि आपके पास मार्क्स आने चाहिए और आपके पास इतना पैसा देने के लिए होना चाहिए तो आपको कॉलेज मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 100 नंबर 120 नंबर भी है तो भी आपको कॉलेज मिल जाएगा एसटी कैटेगरी में, क्योंकि कई बार क्या, हर बार एसटी की जो सीट्स है ना वो फिल नहीं होती, इसलिए उनको एससी में कन्वर्ट किया जाता है, पर एससी से वो अगर इसमें फिल नहीं होगी तो ओबीसी में कन्वर्ट किया जाएगा, और ओबीसी में फिल नहीं होगी तो अनरिजर्व में फिल किया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ड्रॉप लेना है कि नहीं लेना है, और अगर वो 50% वाला रूल आता है तो ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी। उस केस में अपन को ये देखना होगा कि इन्होंने कैसे 50% सीट्स को कन्वर्ट किया, गवर्नमेंट कोटा की किया है कि मैनेजमेंट कोटा की है। यहाँ पे याद रखिए फीस दोनों के लिए सेम होती है, चाहे आप गवर्नमेंट कोटा से लें अभी, चाहे आप मैनेजमेंट कोटा से लें, ठीक है। तो ये सब चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। चलिए, तो मिलते हैं किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।